की मेन टॉपिक है डलहौजी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि डलहौजी को लॉर्ड की उपाधि नहीं मिली थी। एकमात्र ऐसा अंग्रेज अधिकारी था, या यूं कहें भारत का गवर्नर जनरल था, जिसे लॉर्ड की उपाधि नहीं मिली। अब आप पूछेंगे कि उसे लॉर्ड की उपाधि क्यों नहीं मिली थी, तो मैं बता दूं कि वह जब पंजाब का विलय कर लिया और महारानी को पत्र लिखा तो कहा, हे महारानी, वो महारानी को बहुत बार पत्र लिखा होगा, लेकिन दो पत्र उसके बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक बार लिखा था कि महारानी, मैंने कुछ नहीं किया है, स्वयं सिखों ने ही युद्ध हम पर थोपा है, स्वयं सिखों ने ही युद्ध हम पर थोपा है, और यह युद्ध केवल युद्ध नहीं होगा, यह युद्ध केवल सुरक्षात्मक नहीं होगा। महारानी, मैं सौगंध खा के कहता हूं, लिखा इस लाइन को, सौगंध खा कर कहता हूं, यह युद्ध प्रतिशोध के साथ लड़ा जाएगा। और सही में इस युद्ध के बाद पूरा पंजाब समाप्त हो गया, न केवल ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, बल्कि रानी जिंदा कौर को लाल सिंह के साथ बनारस में भेज दिया गया, यानी जो छुपा हुआ प्रेम कहानी था उसे पर्दे से बाहर ला दिया गया और सारे विश्व में उनकी थू-थू कर दी गई कि भारतीय सनातनी विधवाएं जिनके पति रंजीत सिंह मर चुके थे वह विवाह नहीं कर रही है बल्कि प्रेम कर रही है। तो एक इधर परिणाम कर दिया और दूसरा रंजीत सिंह को भेज दिया लंदन। अब लंदन जब रंजीत सिंह पहुंचते हैं तो महारानी उनको, दिलीप सिंह पहुंचते हैं तो महारानी उनको अपने पुत्र की तरह रखती है, और बाद में वही दिलीप सिंह जो है ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं। तो निश्चित ही रूप से यह पंजाब का समाप्ति करना था। रही बात दूसरा पत्र वो लिखता है कि हे महारानी, 29 मार्च 1849 को मैंने पंजाब का विलय कर लिया, अतः मैं लॉर्ड के उपाधि का हकदार हूं, इसलिए पहले ही अपने नाम के साथ मैं लॉर्ड लगाकर भेज रहा हूं, आप इसे स्वीकार कर लेना। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक तो महारानी और दूसरे में महिला महारानी। कहा भी जाता है कि महिलाएं अगर उदार हो तो शायद उतना शीतल बरखोन्यास भी नहीं होगा। विश्व का सबसे ठंडा स्थल है बरखोन्यास, तो महिलाएं अगर शीतल हो तो सबसे ठंडे स्थल बरखोन्यास से भी शीतल पड़ जाती है, और महिलाएं यदि गर्म हो जाए, खिसला जाए, तो जैकोका बाद अलहजीजिया में है उससे भी कहीं ज्यादा हो, यहां कह सकते हैं इस ज्वालामुखी हो जाती है, केवल 58 डिग्री नहीं बल्कि 1200 डिग्री सेल्सियस पारा उनका पहुंच जाता है। तो महारानी खिसला कर और कही कि इसको कम से कम किसी भी शर्त पर लॉर्ड की उपाधि नहीं दी जाए। और इस तरीके से पुस्तकों में गलती से लिख दिया जाता है लॉर्ड डलहौजी। लेखक भी इस पॉइंट को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उसे लॉर्ड की उपाधि नहीं मिली थी। अब रही कि डलहौजी जब आया तो उस समय में बहुत सारे काम किए। शॉर्टकट में देख ले, जैसे पंजाब का विलय किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से यानी उत्तराधिकार के अंत, गोद लेने की प्रथा का अंत किया,
इस प्रकार कई भारत के राजवाड़ों को, जयपुर को, सतारा को, नागपुर को, झांसी को मिलाया, कुशासन के आधार पर अवध को भी मिलाया, तो कई राज्यों को उसने मिलाया था। इसके अलावा आप देखेंगे उसी के समय में 1854 के उर्स का डिस्पैच आया, जिससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना काटा करते हैं, यानी एक बहुत बड़ा भारतीय शिक्षा में परिवर्तन के लिए ये चीजें आई थी। उसके समय में जो 1813 के अधिनियम में था कि ईसाई मशीन यानी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करेंगे, उनको बदल दिया गया और इसे सेना में भी अनिवार्य कर दिया गया 1851 में, 1851 में कर दिया गया कि सेना में भी ईसाई मिशनरी प्रचार करेंगे। यानी सोचिए कि सेना का अगर ईसाईकरण हो जाएगा तो वैसी स्थिति में रोकना संभव नहीं था, पूरा भारत का ईसाईकरण हो जाता। तो ये सारी चीजें थी। अब इसमें एक दो और उसके समय में जो घटनाएं घटी, जैसे टेलीग्राफिक लाइन का बिछाना। नेक्स्ट उसके समय में हुआ कि कोई भी हिंदू या मुसलमान अगर ईसाई धर्म ग्रहण करते हैं तो वैसी स्थिति में वे प्रॉपर्टी भी उनका ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉपर्टी जो उनका ट्रांसफर अगर हो जाएगा तो आसानी से वो धर्मांतरण कर सकते थे। अब सबसे बड़ी चीज देखा गया उस समय में कि अगर आज भी नहीं है, अगर मान लीजिए कि अभी देखे होंगे बिहार के जो पूर्व डीजीपी थे गुप्तेश्वर पांडे जी, तो वो संत श्रेणी में चले गए, हालांकि वो हिंदू ही रहे। अपने मां से उन्होंने जाकर पूछा था, ये 4-5 दिन पहले की घटना है, कि क्या गुप्तेश्वर पांडे ये जो आपके बक्सर वाले हैं और बिहार के डीजीपी थे, आईपीएस अधिकारी से लोग प्रमुख होकर डीजीपी बनता है, अपने बिहार का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हे मां, मैं संत हो चुका हूं, क्या पैतृक संपत्ति में मुझे हिस्सा दोगी। उन्होंने कहा तुम संत हो चुके हो और संत को पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता है। तो इस तरीके से ये मैटर भी देखे होंगे हाईलाइट हुआ था। बात ऐसा है, आज भी नियम है कि अगर आप धर्मांतरण होते हैं तो पैतृक संपत्ति का धर्मांतरण नहीं होगा, पर्सनल का होगा। जैसे मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और मैं अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता हूं तो मैं अपने संपत्ति को ले जाऊंगा, लेकिन मेरे पिता की जो संपत्ति है उस संपत्ति मुझे नहीं मिलेगी, उससे मेरा हक धर्मांतरण के बाद समाप्त हो जाएगा। वर्तमान का कानून यही है, लेकिन उस समय में डलहौजी ने ये कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है तो उसके पैतृक संपत्ति का भी धर्मांतरण होगा। अब आप सोचिए कौन से धर्म में लोग जाते, मुसलमान भी ईसाई ही बनते, हिंदू भी ईसाई ही बनते, तो ईसाई धर्म का विस्तार ज्यादा होता। लोगों ने इसे महसूस किया और मन ही मन ठानने लगा कि अरे ये टेलीग्राफिक लाइन अलग बिछा रहे हैं, प्राइमरी मिडिल एंड हायर एजुकेशन में अलग वर्ड्स के डिस्पैच ला दिए जिससे तीव्र गति से ईसाईकरण हो। नेक्स्ट चीज इन्होंने क्या किया, सेना में भी ईसाई मिशनरियों को भेजना शुरू कर दिया, यानी धर्म प्रचारक को मिशनरी बोलते हैं, तो उनको भेजना शुरू कर दिया और सेना ही ईसाई हो जाएगी तो हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा, धर्म की रक्षा कैसे होगा। ये चीजें जो है लोगों के मन में घर कर गए। डलहौजी के समय में कुछ अच्छे काम भी हुए, जैसे पंजाब में नहर का ज्यादा विकास हुआ। आज भी आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज्यादा नहर से सिंचाई